सुंदर घाटी निगम के तरफ से अंडर CSR एक्टिविटी हम लोगों ने काफ़ी काम किए जनहित में, जिसमें कि सरहदी इलाका होने के कारण बहुत सारे माइग्रेटरी लेबर आए थे, माइग्रेटेड लेबर आए थे, उनका BSK कॉलेज माइथन में रहने का व्यवस्था, फिर SB स्कूल एरिया नंबर 6 में रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, राशन, सूखा राशन का व्यवस्था, ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर महीनों तक इस काम का निर्वहन किए। और ये तो सबसे फ्लैगशिप एक्टिविटी रहा कोरोना पीरियड में। उसके बावजूद हम लोग जो है कि गरीबों के बीच मास्क का वितरण करना, सैनिटाइजर का वितरण करना, और जो लोग भी पॉजिटिव पाए जाते थे उनके लिए कैंप लगाना, और आपको जान करके खुशी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके हम लोग 1500 लोगों का, 1500 से ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट जो है, रैपिड टेस्ट जो है करवाए। वो हाई स्कूल में भी हुआ, हम लोगों के डैम पे भी 15-20 दिन तक ये अभियान चला, और इस सारे कार्य को डिप्टी कमिश्नर धनबाद के नेतृत्व में हो रहा था, उन्होंने इसकी सराहना भी की। सर, इस कोरोना काल में काफ़ी दुविधा भर रहा पूरा 8-9 महीना, तो इस दुविधा में भी आप लोग बिजली का सुविधा देते रहे लोगों को, ये कैसे संभव हो पाया सर? शुरू में बिजली उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ, प्रभावित होने का कारण कि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो डिमांड बहुत कम हो गया था, लेकिन 2-3 महीने के अंदर डिमांड फिर पिकअप करने लगा। और कोरोना पीरियड में आपको यह जान करके खुशी होगी कि DVC का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, और एक फाइनेंशियल ईयर में जो डिफरेंट क्वार्टर होता है तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर छोड़ दिया जाए तो सेकंड क्वार्टर में DVC ने लाभ भी कमाया है। तो जिस तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हुआ, हमारा भी प्रभावित हुआ था, लेकिन उसमें भी हमारे ऑपरेटिव्स, मेंटेनेंस स्टाफ, ये सब मिल करके 2-2 बार रिकॉर्ड जनरेशन हम लोगों का हुआ। और आपको अच्छा लगेगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे 2 यूनिट, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन का और चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन का, उसका परफॉर्मेंस, प्लांट परफॉर्मेंस जो हम लोग बोलते हैं, वो PLF से काउंट किया जाता है, तो वो पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को प्रथम स्थान है। इस दौरान कोई बर्डन भी बढ़ा कंपनी के ऊपर? बर्डन जी, बर्डन हम लोगों का तो कुछ नहीं बढ़ा है, बर्डन एक ही है कि झारखंड सरकार से कुछ बातें चल रही है कि हम लोगों का ड्यूज जो है वो क्लियर हो जाए, इसके अलावा कोई खास बात नहीं। सर, DVC के CSR फंड से देखा गया है कि कुछ गांव में भी पानी वगैरह, रास्ता वगैरह का भी काम किया गया है, कुछ स्कूल्स वगैरह में शौचालय वगैरह का भी हुआ है काम, इस पर कुछ विचार आप साझा करना चाहेंगे? CSR के द्वारा हमारा 3 काम होता है। पहला काम जो होता है वो एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, हम लोगों ने स्कूल भी बनवाया हुआ है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें हम लोग कैपेसिटी एडिशन करते हैं। और दूसरा जो है कि हम लोगों का एक फ्लैगशिप एक्टिविटी है मत्स्य पालन, जिसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और वो सीधे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जुड़ा हुआ है। और अप्रोच रोड, पानी की व्यवस्था, ये सब भी हम CSR के माध्यम से करते हैं। CSR हमारा बहुत ही पुराना एक्टिविटी है, जब से DVC है उसी समय से है, और डेडिकेटेड वर्क फोर्स उस पर लगा हुआ है, हमेशा काम करते रहता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र या पर्यटक का केंद्र है माइथन डैम, तो इस जिसे DVC संचालन करता है, तो इस बार आप लोगों ने पर्यटकों को क्या अलग से सुविधा प्रदान किया है? पर्यटकों को हम लोग हमेशा ही सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन अब नए तरीके से इस पर सोचा जा रहा है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से DVC क्या कर सकता है, कैसे इसको पर्यटक स्थल के रूप में और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है।
और इस बार कोरोना के चलते थोड़ा सा हम लोग सख्ती बरते, जिसमें कि कोई भी साउंड सिस्टम नहीं हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, थूकना मना है। हम लोग बोर्डिंग होर्डिंग ये सब लगाए थे और मास्क पहनना पिकनिकर्स को अनिवार्य था, सैनिटाइजर लेके चलना है, कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे नौका पे लोग सैर करते हैं सैलानी, उनके लिए लाइफ जैकेट्स अनिवार्य है। ये सब काम हम लोग इस बार किए हैं, लेकिन बृहद पैमाने पे आने वाले वर्षों में इस पर काम किया जाएगा। सर, नौ वर्ष भी है और कोरोना काल भी चल रहा है, तो इससे लेके कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? नौ वर्ष में सब कुछ ठीक ठाक हो, इसके अलावा और क्या संदेश देंगे। पिछला वर्ष सबके लिए कठिन था और ये साल जो है 2021 सबके लिए बेहतर हो, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।